जगह थाना क्षेत्र में ब्रह्मपुर ब्लॉक में जिला पंचायत चुनाव के मतगणना में हेराफेरी को लेकर दो प्रत्याशियों व उनके समर्थकों द्वारा नई बाजार चौकी में आगजनी व विकास खंड परिसर में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने गुरुवार को 18 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में विकास खंड अधिकारी व नई बाजार चौकी इंचार्ज के तहरीर पर 61 नामजद व 500 अज्ञात पर तोड़फोड़, बलवा हत्या के प्रयास, लूट, सेवन CLA, सरकारी काम में बाधा डालने, आपदा प्रबंधन अधिनियम व आवश्यक सेवाओं को बाधित करने के आरोप में 2 केस दर्ज किया है। साथ ही रिटर्निंग ऑफिसर की तहरीर पर विकास खंड के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पर भी केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया गया है। जानकारी के अनुसार जिला पंचायत चुनाव के मतगणना में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दूसरे नंबर के प्रत्याशी को विजयी बताकर सर्टिफिकेट दिया गया था, जिसके बाद लोगों ने मतगणना में हेराफेरी का आरोप लगाकर बुधवार की शाम नई बाजार चौकी में आगजनी किया था। PSC की गाड़ी व चौकी में खड़ी पुलिसकर्मियों तथा बरामद 6 बाइकों और चौकी के रजिस्ट्रार व जरूरी कागजातों को जला दिया गया था। साथ ही ब्रह्मपुर विकासखंड परिसर में भी तोड़फोड़ की गई थी। इस पूरी घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। घटना में SSP, SP नार्थ व कई थानों की पुलिस पहुंची और भीड़ को खदेड़ा। पूरी रात जिले के कई थानों और चौकियों की पुलिस इलाकों में दबिश थी। पुलिस ने मामले में 18 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया है। वहीं गड़बड़ी करने वाले ब्रह्मपुर ब्लॉक के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर व अधिशासी अभियंता बाड़खंड प्रथम वीरेंद्र कुमार यादव के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई जिले के जिला पंचायत चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर व उप संचालक चकबंदी सुनील कुमार की तहरीर पर की है। पुलिस को दे तहरीर में उन्होंने लिखा है कि वीरेंद्र कुमार यादव द्वारा जिला पंचायत सदस्य की मतगणना में वार्ड नंबर 60 एवं 61 के लिए त्रुटिपूर्ण मतगणना प्रपत्र भरते हुए वास्तविक विजेता की जगह दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया गया है, जो लापरवाही के श्रेणी में आता है। पुलिस ने सहायक रिटर्निंग अधिकारी वीरेंद्र कुमार यादव के खिलाफ धारा 420, 467, 468 व 472 के आरोप में केस दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मपुर विकास खंड के अधिकारी राजकुमार की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात भीड़ पर सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान करने, तोड़फोड़ आदि के आरोप में केस दर्ज किया है। विकास खंड अधिकारी ने तहरीर में बताया कि मतगणना में धांधली का आरोप लगाकर 60 व 61 नंबर वार्ड के प्रत्याशियों ने भीड़ के साथ आकर ब्लॉक परिसर का गेट तोड़ दिया। इसके अलावा जहां पुलिस ने नई बाजार चौकी इंचार्ज अभय पांडे की तहरीर पर 61 नामजद व 500 अज्ञात लोगों पर बलवा, मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी, लूट, सरकारी काम में बाधा डालने, 7 CLA, आपदा प्रबंधन अधिनियम सहित 20 धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस को दिए तहरीर में चौकी इंचार्ज का आरोप है कि भीड़ ने वार्ड नंबर 60 के जिला पंचायत प्रत्याशी रवि निषाद व 61 के प्रत्याशी कुदई निषाद की अगुवाई में चौकी पर हमला कर दिया। इस दौरान भीड़ ने असलहे से फायरिंग की। चौकी में खड़ी 6 बाइकों व चौकी के जरूरी कागजात रजिस्टरों को आग के हवाले कर दिया। आरक्षियों व दरोगा के आवास में जाकर घड़ी, अंगूठी, चेन और वहां मौजूद वर्दी से रुपए भी निकाल लिए गए। इस दौरान इनकी दहशत से चौराहे पर स्थित दवा आदि जरूरी सामानों की दुकानें बंद हो गई। ऑक्सीजन, दवा की सप्लाई में बाधा आई। गिरफ्तार होने वालों में जगह थाना क्षेत्र के रामसकल निषाद पुत्र भागीरथी, अमरजीत निषाद पुत्र जय हिंद, सुनील सहानी पुत्र स्वर्गीय रामाश्रय, महेंद्र सहानी पुत्र स्वर्गीय फूलचंद सहानी, सिकंदर पुत्र रमाकांत, राज पुत्र राजू भारती, शिव कुमार भारती पुत्र फूलचंद प्रसाद, राम बाबू भारती पुत्र रामप्रति, कमलेश सहानी पुत्र स्वर्गीय चिंकू, रवि निषाद पुत्र महेंद्र, सुरेंद्र पुत्र राम नरेश निषाद, आदित्य निषाद पुत्र राम केवल, सुरेंद्र चौहान पुत्र महेश चौहान, वीरेंद्र चौहान पुत्र महेश चौहान, जय गोविंद निषाद पुत्र स्वर्गीय राजा राम निषाद, सुनील सहानी पुत्र रविंद्र सहानी, आकाश निषाद पुत्र नन्हेलाल व ऋषि सहानी पुत्र कोमल सहानी शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष से बात करते हुए SP नार्थ मनोज अवस्थी और गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP दिनेश कुमार पी ने कहा।
झंगा में जो विवाद हुआ था जिसमें उपद्रवी लोगों ने चौकी में आग लगा दिया था और एक पीएसी की बस को जला दिया था, उसमें 18 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। और जो रिजल्ट में गड़बड़ी आरओ ने की थी उसपे भी जिलाधिकारी के निर्देश पे एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमें आरओ श्री वीरेंद्र यादव को जेल भेजा गया। सर, इसमें कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है? कुल 500 अज्ञात और 61 नामजद के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें हम लोग जांच करके और जो वास्तव में एक्टिव थे वीडियो कॉल से वीडियो फुटेज से निकाल कर और फिर गिरफ्तारी अग्रिम गिरफ्तारी की जाए। सर, दोनों जो प्रत्याशी थे वो भी गिरफ्तार हुए हैं? नहीं, प्रत्याशी अभी गिरफ्तार होंगे। उनकी क्या स्थिति है सर इसमें? उनका 120 बी में नाम है, अब आगे विवेचना के रास्ते उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। थाना जगह क्षेत्र में चौकी नई बाजार में जो कल उपद्रवियों के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है, पीएसी की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कराया गया है, उसमें 2 एफआईआर रजिस्टर हुआ, 60 नामजद एवं 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें 18 लोगों के गिरफ्तारी आज हुई है जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बाकी जो अज्ञात एवं नामजद लोगों को तलाशी की जा रही है, वहाँ मौके पर हुई फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी में जो अज्ञात लोग आए हैं उनकी चेहरा पहचान कराया जा रहा है, तत्काल उनकी गिरफ्तारी हेतु तो अलग अलग टीम्स बनाए गए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु तो अलग अलग टीम्स गठित करके तत्काल इस पर कार्रवाई की जा रही है। रिटर्निंग ऑफिसर जिला पंचायत गोरखपुर के द्वारा एक तहरीर जगह थाने में दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा एक्सीएन वीरेंद्र कुमार यादव जो कि रिटर्निंग ऑफिसर ब्रह्मपुर ब्लॉक के थे, जो वार्ड नंबर 60 और 61 में हारे हुए प्रत्याशियों को जीता घोषित करने का जो फर्जीवाड़ा करके जीता हुआ प्रत्याशी घोषित करके उनको प्रमाण पत्र देने का आरोप लगाया गया है, उसमें एफआईआर दर्ज किया गया है और वीरेंद्र कुमार जो आरोप है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करके संबंधित साक्ष्यों को एकत्रित करके उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आगे भी और भी इसमें जो भी साजिश में शामिल थे उसके संबंध में जानकारी की जा रही है, अगले एकीकरण जो हुआ है उसका साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है और भी जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।